गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आज एक न्यू सीरीज पे स्टार्ट करने वाले हैं कि अपनी जो जीएसटी की जो न्यू रिटर्न फॉर्मेट्स हैं उसको कैसे फिल करना है, उसका पार्ट वन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी मंथली रिटर्न जो है उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक साइनोसिस दे देता हूं कि जीएसटीआर का जो न्यू मंथली रिटर्न है उसमें तीन फॉर्म्स हैं, बेसिकली दो अनेक्सर्स हैं और एक मेन रिटर्न फॉर्म है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनेक्सर नंबर वन, जो है सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज के लिए और वैसे इनवर्ड सप्लाईज के लिए जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। आज हम लोग सिर्फ इस अनेक्सर को डिस्कस करेंगे कि इस अनेक्सर को कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करने से आपको जीएसटीआर जो मंथली रिटर्न जो न्यू फॉर्मेट आने वाला है उसकी उसकी काफी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने खोला हुआ है अभी जो इन्होंने रिलीज किया है फॉर्मेट्स, उसमें सबसे पहले है क्वेश्चनियर फॉर फिलिंग अप अनेक्सर्स ऑफ सप्लाईज टू मेन रिटर्न। मतलब अनेक्सर ऑफ सप्लाईज है एक, मेन रिटर्न के दो अनेक्सर्स हैं, अनेक्सर ऑफ सप्लाईज एंड अनेक्सर ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। तो क्वेश्चनियर जो है वो है अनेक्सर ऑफ सप्लाईज के लिए, कुछ क्वेश्चनियर्स इन्होंने दिए हैं। एक बार देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चनियर्स, क्या क्या क्वेश्चंस वो हमसे डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल मेकिंग ये लोग करेंगे और रिटर्न की टेबल्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होंगी। तो क्वेश्चनियर का पार्ट ए है ब्रीफ क्वेश्चंस अबाउट निल फाइलिंग एंड रिटेनिंग ऑप्शन गिवन इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो पार्ट ए में जो है जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उसमें है Would you like to change the reply to the questions regarding nature of supplies as filled in the questionnaire of the return of the last tax period? मतलब जो पिछले tax period में आपने जो questionnaire select किए हैं, जो profile आपने decide किया है, क्या उस profile के अलावा कुछ और changes हुए हैं जिस current tax period की आप बात कर रहे हैं? अगर yes करेंगे तो आपके पास नीचे part B की जो details है वो open होंगी, और अगर आप नो करते हैं तो जो पिछला टैक्स पीरियड में आपने सिलेक्ट किया है वो एज इट इज प्रोफाइल मेकिंग आपके हिसाब से पिछले टैक्स पीरियड के सिलेक्शन के हिसाब से वो डिजाइन तैयार हो जाएगा। इन केस द रिप्लाई इज यस, द फॉलोइंग क्वेश्चनियर विल बी ओपेंड फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अगर आप यहां पर यस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास पार्ट बी के हैं डिटेल्ड क्वेश्चनियर जो है वो ओपन हो जाएंगे और इन क्वेश्चनियर के आधार पर आपका अनेक्सर टू सप्लाई, अनेक्सर टू मेन रिटर्न ऑफ सप्लाईज ओपन हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं डिटेल्ड क्वेश्चनियर में क्या क्या इन्होंने सवाल पूछे हुए हैं। हैव यू मेड बी टू सी सप्लाई, तो ये टेबल 3A के अंदर है, आपको सिलेक्ट करना है यस या नो। हैव यू मेड बी टू बी सप्लाई, टेबल 3B में है। हैव यू मेड एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल 3C। हैव यू मेड एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल 3D। हैव यू मेड सप्लाईज टू SEZ यूनिट्स और SEZ डेवलपर्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल 3E में है। तो बेसिकली ये लोग जो इन लोगों का मेन कॉन्सेप्ट जो समझ आ रहा है इस एनेक्सर्स को पढ़ के, इस क्वेश्चनियर्स को देख करके, कि जो GSTR 1 की जो टेबल्स हैं अब उस टेबल्स को एनेक्सर का फॉर्म्स दे दिया गया है, अब वो रिटर्न के टेबल्स में ना रह करके एनेक्सर्स के टेबल में होंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि रिटर्न का जो फॉर्म है वो एक पन्ने का होगा। रिटर्न का फॉर्म तो बिल्कुल एक पन्ने का होगा, बट सर एनेक्सर्स तो भरने होंगे ना, तो टेबल्स तो सारे के सारे वही हैं। Have you made any supply treated as deemed export? अगर आप deemed export करके कोई supply कर रहे हैं तो उसके table 3G है। Have you received inward supplies attracting reverse charge? अगर आपने कोई reverse charge की जो liability वाली है inward supplies वो आपने purchase किया है या वो आपने inward supply करा है during the current tax period, अभी की GSTR 1 में ये table नहीं है, ये एक extra table add कर दिया है इन्होंने annexure to supplies के अंदर GST main return में। Have you made import of services? अगर आपने import करा है तो उसकी details आपको डालनी है। Have you made import of goods? अगर आपने import of goods करा है उसकी details डालनी है। Have you imported goods from SEZ units on bill of entry? अगर आपने SEZ units से कुछ goods import करा है और उसकी में आपने bill of entry का इस्तेमाल किया है तो उसकी questionnaire में है, आपको as per selection yes या no करना है। Has your supplier not uploaded invoices on which you have claimed input tax credit 2 tax period ago?
इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, इसका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा कि इसका क्या मतलब है टू टैक्स पीरियड के पहले का। क्योंकि जीएसटी में जो है, जो नया रिटर्न फॉर्मेट आ रहा है, उसमें जो दो टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी है उसको आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड बेसिस पे पेमेंट करना होता है, और जो क्वार्टरली रिटर्न जब फाइल करेंगे, जब थर्ड रिटर्न महीने की रिटर्न फाइल होगी, तो उसमें से उसको एडजस्ट करवा लेना होता है। सो क्या प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। हैव यू मेड एनी सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, अगर आपने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कोई सप्लाईज करा है तो उसका एक टेबल इन्होंने यहां पर दे रखा है। नोट, यहां पर इन्होंने कुछ लिखा है कि ऑप्शन अगेंस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी नो बाय डिफॉल्ट, यूजर कैन सिलेक्ट यस एज पर रिक्वायरमेंट। ये जो है क्वेश्चनर्स, जब ऑनलाइन सिस्टम डेवलप होगा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नो पे सिलेक्शन किया जाएगा, आप एज पर रिक्वायरमेंट उसको यस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनर्स हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के आधार पे आपके सामने ये अनेक्सर्स ऑफ सप्लाईज टू मेन रिटर्न, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज का जो है अनेक्सर्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज है, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, कौन से टैक्स पीरियड के रिटर्न है ये, जीएसटी नंबर, लीगल नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो आपका लीगल नेम होगा ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, ट्रेड नेम, आपके बिजनेस का नाम, एआरएन नंबर, ये दोनों चीज जो है, डेट ऑफ एआरएन एंड एआरएन, ये आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये यहां पर आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। अब आते हैं टेबल थ्री में, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब आउटवर्ड सप्लाईज जिसमें आपने सेल करा है, जिसपे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, वैसे इनवर्ड सप्लाईज जिसपे आपको रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपको टेबल थ्री भरना है। तो आपने जो देखा अनेक्सर जो ऊपर दिए गए क्वेश्चनर्स जो दिए गए हैं, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, वो सारे टेबल्स जो है वो अनेक्सर्स में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चनर सिलेक्ट करेंगे यस या नो, उसके हिसाब से आपके अनेक्सर्स के टेबल ऑटो पॉपुलेट होंगे, आपकी प्रोफाइल डिजाइनिंग की जाएगी। अब पढ़ते हैं टेबल 3A में, आपने क्वेश्चनर में पढ़ा कि डू यू हैव एनी B2C सप्लाईज, आपने यस करा तो आपके सामने ये वाला टेबल ओपन हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या चीज बेसिकली रिक्वायरमेंट है। तो टेबल थ्री में जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर आपको नेम ऑफ स्टेट देना है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स मतलब जो टैक्स डॉक्यूमेंट आपने इशू किया होगा अगेंस्ट सप्लाई उसकी डिटेल्स, उसमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वट एवर इट बी, उसका नंबर, उसकी डेट, उसकी टोटल वैल्यू, टैक्स का रेट, किस टैक्स रेट का आइटम आपने सप्लाई करा है, 5%, 12%, 18%, टैक्सेबल वैल्यू, उसकी टैक्सेबल बेसिक वैल्यू क्या है, टैक्स अमाउंट, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड कंपनसेशन सेस। तो 3A है सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्संस, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। एक चीज यहां पर नोट करने वाली यह है कि यहां पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, अगर अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर सेल के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट इश्यू होता है तो उसको नेट ऑफ करके ये दिखाने के लिए कह रहे हैं। पहले वाला सिस्टम में जो है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का सेपरेट कॉलम दिया गया था, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड। यहां पर ये जो ग्रे पोर्शन है, ग्रे पोर्शन का मतलब हो गया कि ये डेटा आपको फिल नहीं करना पड़ेगा टेबल 3A में। तो ये लॉजिक क्या है इसके पीछे कि सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, B2C सेल कर रहे हैं, तो अभी भी जो हम लोग B2C सेल करते हैं उस सिचुएशन में हम लोगों को रेट वाइज ब्रेकअप देना होता है, ना कि इनवॉइस वाइज डेटा एंट्री करनी होती है। इनवॉइस वाइज डेटा सिर्फ B2CL के केस में होता है, जब हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट सेल करते हैं और 2,50,000 से ऊपर का इनवॉइस होता है तब। तो यहां पर जो है सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहां पर आपको सिर्फ देना है प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट वाइज डेटा आपको एंटर करना होता है एज पर प्रेजेंट सिस्टम, वही सेम सिस्टम इसमें भी रहने वाला है। आपको यहाँ पे स्टेट का कोड और नाम सिलेक्ट करना है, टैक्स रेट सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट जो B2C अभी हम लोग फिल करते हैं। कॉलम नंबर 3B है सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। आपने ऐसा कोई सप्लाई किया है जिस पे रिवर्स चार्ज लागू नहीं होता है और वो नॉर्मल B2B सप्लाईज है जो अभी हम लोग टेबल 4A 4B में फिल करते हैं नॉर्मल B2B सप्लाईज के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सारे कॉलम जो है व्हाइट कर रखे हैं, मतलब सारा डिटेल्स हम लोगों को इसमें भरना है। बेसिकली इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल एंट्री करनी है, इनवॉइस लेवल एंट्री इसके अंदर होगी। तो आपको इनवॉइस वाइज एंट्री करनी है कि जीएसटी नंबर, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कौन से स्टेट में आपने माल सप्लाई किया, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट,
कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिल नंबर क्या है, बिल का डेट क्या है, उसके बाद बिल की वैल्यू क्या है, टोटल बिल की वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू एंड द एप्लीकेबल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एज द केस मे बी। ये हो गया बी टू बी सप्लाईज के लिए कॉलम नंबर 3B, टेबल 3 का पार्ट बी। टेबल 3 का पार्ट सी है एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एक्सपोर्ट्स केस में जीएसटी नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि वो माना जाता है आईजीएसटी सेल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी ही लागू होगा। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स में सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का डेट, उसकी वैल्यू जो शिपिंग बिल नंबर होगी या एक्सपोर्ट इनवॉइस की जो वैल्यू होगी, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, ये दोनों को किया हुआ है इन्होंने हाईलाइट, मतलब ये दोनों ब्लॉक्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स का कॉलम दिया गया है और सेस का कॉलम दिया गया है। तो एक्सपोर्ट्स के केस में तो इंटीग्रेटेड टैक्स ही लागू होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होने का सवाल नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज को डिसेबल किया हुआ है। 3D में भी सेम चीज है, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें आपको एलयूटी की डिटेल्स है वो डालनी होती है, एलयूटी के अगेंस्ट जो माल भेजते हैं, बाकी सारी डिटेल्स जो है वो सेम रहने वाली है। खाली यहाँ पर टैक्स अमाउंट में जो है सारे फील्ड डिजिबल होंगे, क्योंकि ये अगेंस्ट एलयूटी आपने फाइलिंग करी होगी या एक्सपोर्ट माल किया होगा। टेबल 3E, सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स डेवलपर्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर यूनिट को अगर आप कोई माल बेचते हैं, तो वो भी आईजीएसटी एक्ट के अंदर आईजीएसटी का ही पार्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको यहां पर जीएसटी नंबर, अब यहां पर एसईजेड डेवलपर जो है वो इंडिया का ही पार्ट होता है, इसलिए यहां पर जीएसटी नंबर तो होगा ही हर एसईजेड यूनिट का या एसईजेड डेवलपर यूनिट का। तो आपको यहां पर जो है इनवॉइस वाइज एंट्री करनी है, जीएसटी नंबर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, डॉक्यूमेंट डेट हो गया, उसकी वैल्यू हो गई वगैरह, जो भी इनवॉइसेस की डिटेल्स है वो सिमिलर डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को इन्होंने डिसेबल किया हुआ है, दैट मींस एसईजेड सप्लाईज जो है वो आईजीएसटी ही लागू होगा उस पे एज पर एक्ट, तो सिर्फ आईजीएसटी और सेस का कॉलम इन्होंने एक्टिव किया हुआ है। उसके बाद है सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स डेवलपर्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर भी सेम चीज है जैसे एक्सपोर्ट से केस में था कि अगर एसईजेड को आप भेज रहे हैं तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी भेज सकते हैं अगेंस्ट एलयूटी। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स सिमिलर हैं, खाली आपको टैक्सेस के जो कॉलम है वो डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि यहां पर आपको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं बनती है। उसके बाद है डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ऐसे एक्सपोर्ट्स जो कि माने जाते हैं वो एक्सपोर्ट्स, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, सारी कंप्लीट डिटेल्स जीएसटी नंबर से लेकर के टैक्स अमाउंट तक सारी डिटेल्स आपको एज पर द डिटेल्स अवेलेबल 1 to 12 आपको भरनी है। तो यहां पर जो है ये टेबल्स ऑटो पॉपुलेट होंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स एज आस्क्ड बिफोर इन द क्वेश्चन ईयर, सारे टेबल्स के लिए क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है ऊपर। अब आता है टेबल 3H, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। ये एक नया टेबल इंसर्ट हुआ है इसमें कि जैसे आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कोई सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, तो उस पे आपने लाइबिलिटी तो पे कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3B में लाइबिलिटी पे किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, काम खत्म। अभी हम लोगों को जीएसटीआर 2 में उसको अपलोड करना होता था, तो जीएसटीआर 2 तो अभी तक आया ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया है, जीएसटी मंथली रिटर्न के अंदर जो जीएसटी के जो नए रिटर्न फॉर्मेट्स हैं उसी में उस टेबल को इंक्लूड कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया कि इनवर्ड सप्लाईज जो आपने रिवर्स चार्ज में ली है उसको आप इसी टेबल में पुट करें। टू बी रिपोर्टेड बाय रेसिपियंट, मतलब जो रेसिपियंट है उसको अपने इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स यहां डालनी होगी मंथली रिटर्न के अंदर। जीएसटी इनवॉइस नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, मतलब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो इनवर्ड सप्लाईज आपने ली होगी, मतलब वैसे इनवर्ड सप्लाईज, मैं आउटवर्ड सप्लाईज की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बात कर रहा हूं इनवर्ड सप्लाईज की जिसपे रिवर्स चार्ज लागू होता है, जैसे जीटीए की सर्विस आपने ली है, तो उस जीटीए की सर्विसेज के अगेंस्ट में जो आपने आरसीएम पे किया है उसकी एंट्री करनी है, और यहां पर एंट्री करनी है जीएसटी इनवॉइस, इनवॉइस वाइज एंट्री नहीं करनी है। अब सपोज करते हैं आपने 4 ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज लिया हुआ है और 4 ट्रांसपोर्टर्स के टोटल मिलाकर के 40 टैक्स इनवॉइसेज हैं, 40 बिल्टीज हैं, तो आपको हर एक बिल्टी की एंट्री नहीं करनी है, आपको 4 ट्रांसपोर्टर के जो 4 जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर को ऐड कीजिए, एक जीएसटी नंबर पे कितना आपने सर्विसेज लिया, कितना आपने टैक्स पे किया, और जीएसटी इनवॉइस एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनवॉइस वाइज डिटेल्स, जो इनवॉइस का टाइप है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस की वैल्यू, इसको डिसेबल किया हुआ है, बाकी सारे फील्ड एक्टिव है, मतलब जीएसटी वाइज एंड आपको अपना स्टेट वाइज जो है एंट्री करनी है इस वाले कॉलम में, और वो डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के नेट ऑफ करके आपको करना है।
उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर आती है जो बात, इंपोर्ट आप कर रहे हैं तो उसपे भी टैक्स तो आप ही को पे करना है, क्योंकि इंपोर्ट के अंदर आपको टैक्स जमा करना होता है रेसिपिएंट को। तो यहां पर जीएसटी नंबर का तो कोई कॉलम हो नहीं सकता, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो आउटसाइड इंडिया, और जो आउटसाइड इंडिया बैठा है उसका कोई जीएसटी नंबर तो होना नहीं है। तो उसको डिसेबल करके बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स सिमिलर टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि गुड्स के केस में क्या होगा, सर्विसेज के केस में क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग टेबल इन्होंने दिया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड यूनिट्स ऑफ अ बिल ऑफ एंट्री, अगर आप किसी एसईजेड यूनिट से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं ऑन बिल ऑफ एंट्री तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पे डालनी है। उसके बाद है 3L, मिसिंग इनवॉइसेस ऑन व्हिच क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड इन T2। T2 का मतलब हो गया कि टू टैक्स पीरियड्स, जो दो टैक्स पीरियड्स पार हुए उसमें, एंड सप्लायर हैज नॉट रिपोर्टेड द सेम टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द करंट टैक्स पीरियड। मतलब आपने क्रेडिट ले लिया है लेकिन आपके सप्लायर ने वो रिटर्न में फाइल ही नहीं करा, उसको इनवॉइस अपलोड ही नहीं करा, तो वो इनवॉइसेस को आपको इस वाले टेबल के अंदर पंच करना है और आपको अपनी लाइबिलिटी चुकानी है। मतलब दो पीरियड का आपको टैक्स पीरियड का टाइम मिलेगा, तीसरे टैक्स पीरियड में आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगा और आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है अपने इनवर्ड सप्लाईज पे। ये हो गया कॉलम नंबर 3 की बात। अब आती है कॉलम नंबर 4, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 आउट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3। मतलब टेबल 3 में आपको सारी डिटेल्स यहां पर डालनी है। अब टेबल 3 में से जो वैसी सप्लाईज हैं जिसमें कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई की है उसकी डिटेल्स आपको टेबल 4 में डालनी है। सीरियल नंबर आ जाएगा, जीएसटी नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड, वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिटर्न, जो आपने ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करा, जो आपने ई कॉमर्स के थ्रू रिटर्न मंगवाया, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज एंड टैक्स अमाउंट। तो ये सिमिलर है जैसे अभी था वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज इन्होंने किया है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड दैट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3 4 डिजिट और मोर। तो एचएसएन वाइज किसको क्या भरना है, कब भरना है, उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उस वीडियो का आप रेफर कर सकते हैं एचएसएन वाइज डिटेल्स को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज की भी एचएसएन वाइज समरी आपको देनी है और आउटवर्ड सप्लाईज की भी एचएसएन वाइज समरी आपको यहाँ पर फिल करनी है। टेबल ऑफ सप्लाई आउटवर्ड 3A to 3G एंड इनवर्ड 3H to 3K। टाइप ऑफ सप्लाई यहां पर आपको भरना है कि आउटवर्ड सप्लाई का एचएसएन ये है, इनवर्ड सप्लाई का एचएसएन ये है। तो एज पर एप्लीकेबल सप्लाईज आपको एचएसएन वाइज एंट्री करनी है एचएसएन के टेबल में। ये एक नया रिक्वायरमेंट इन्होंने एचएसएन के टेबल में दिया हुआ है। और यहां पर एक बात है कि 4 डिजिट और मोर मिनिमम डिजिट जो होंगे वो होंगे 4, ना कि 2 ना कि 6, मिनिमम 4 है। 4 से ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, 2 तो नहीं होने वाला है। तो ये हो गया आपका अनेक्सर टू सप्लाईज ऑफ मेन रिटर्न। तो मेन रिटर्न में दो टेबल बताए थे इन्होंने, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई के लिए ये अनेक्सर हो गया, इनवर्ड सप्लाई के लिए अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ये वेरिफिकेशन की, आई हियरबाय सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपना वेरिफिकेशन कीजिए और ईबीसी से अपना रिटर्न जो है वो सबमिट कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीज आपको देखना है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स बताए हुए हैं जो अनेक्सर्स में इन्होंने यूज किए हैं, जीएसटीन का मतलब, यूआईएन का मतलब, एचएसएन का मतलब, पीओएस का मतलब। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में इनवॉइस हो सकता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एटसेट्रा। कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, एक बार देखते हैं क्या है। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू अपलोड इनवॉइसेस कैन अपलोड डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ टू व्हिच इट पर्टेन्स बट नॉट लेटर देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। इनवॉइसेस कभी भी अपलोड कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग ऑफ मेन रिटर्न। इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर विल बी शोन टू द कंसर्न रिसिपिएंट ऑन नियर रियल टाइम बेसिस। अभी अपलोड करा, अभी रिसिपिएंट को वो दिखने लगेगा इनवॉइस, वो उस पर एक्शन ले सकता है। रिसिपिएंट विल गेट क्रेडिट इन अ टैक्स पीरियड ऑन इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर अप टू अ टेंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 10 तारीख तक अगर आप इनवॉइसेस अपलोड कर देते हैं तो रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा उसी महीने में, नहीं तो वो अगले महीने शिफ्ट हो जाएगा। ऑल इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल बी अकाउंटेड टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पीरियड। रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी आप इनवॉइस अपलोड करेंगे आपके लिए उसकी लायबिलिटी जो होगी उसी मंथ में गिनी जाएगी जिस महीने आप रिटर्न फाइल करने से पहले इनवॉइस अपलोड कर चुके होंगे, और रिसिपिएंट को उसके अगले महीने उसको क्रेडिट मिल जाएगा। रिसिपिएंट विल बी एबल टू अवेल क्रेडिट ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड बाय सप्लायर आफ्टर 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। मतलब इस महीने की अगले 10 तारीख की, इस महीने की जो भी सप्लाईज आपने अपलोड करी हैं तो वो सितंबर की 11 तारीख के बाद आपको क्रेडिट मिलेगी आपके रेसिपियंट को,
आपके इनवॉइसेस के बेसिस पे। इनवॉइसेस ऑफ एनी प्रीसीडिंग पीरियड नॉट अपलोडेड अर्लियर कैन ऑल्सो बी अपलोडेड ड्यूरिंग द करेंट मंथ। द लाइबिलिटी ऑन सच इनवॉइसेज विल बी पेड ड्यूरिंग द करेंट मंथ बट दीज इनवॉइसेज विल बी क्लब्ड विद द रिस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द करेंट मंथ। मतलब अगर आप कोई इनवॉइसेज आपकी छूट गई है पिछले टैक्स पीरियड की, तो उस इनवॉइस को आप करंट मंथ में इंक्लूड कर सकते हैं, बट उस इनवॉइस को क्लब किया जाएगा आपके पिछले टैक्स पीरियड की रिटर्न में ही। फॉर टर्नओवर अकाउंटिंग और अमेंडमेंट एटसेट्रा द इनवॉइसेज अपलोडेड इन द लेटर टैक्स पीरियड्स विल बी अवेलेबल इन द टैक्स पीरियड्स टू विच इट एक्चुअली पर्टेन्स। अगर आप कुछ अमेंडमेंट करते हैं या कुछ टर्नओवर अकाउंटिंग के पर्पस के लिए कोई इनवॉइस को अमेंड करते हैं, तो जिस महीने की इनवॉइसेज है उसी महीने में उस चीज को चेंज किया जाएगा, उस महीने के लिए ही वो डेटा अमेंड किया जाएगा। रिवर्स चार्ज सप्लाईज विल बी रिपोर्टेड ओनली बाय रेसिपिएंट एंड नॉट बाय सप्लायर। रिवर्स चार्ज सप्लाई जो है सिर्फ और सिर्फ रेसिपिएंट को ही रिपोर्ट करना है, सप्लायर को रिपोर्ट नहीं करना है। सच सप्लाईज शैल बी रिपोर्टेड जीएसटी इनवॉइस एंड नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएसटी इनवॉइस आपको रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस की डिटेल्स फिल करनी है। एचएसएन कोड शैल बी रिपोर्टेड बाय ऑल टैक्सपेयर्स एट लीस्ट फोर डिजिट लेवल बट नॉट इंक्लूडिंग सर्टेन केसेस स्पेसिफाइड सेपरेटली। हर किसी को फोर डिजिट लेवल स्पेसिफाई करना है, कुछ कुछ लोगों को छोड़कर जो स्पेसिफाई करेंगे। एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स सप्लाईज मेकिंग टू सप्लाईज ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज मेकिंग सप्लाईज टू एसईजेड Units and developers shall report HSN code at least four digit level irrespective of turnover during the financial year. जो export या import करते हैं या SEZ developers को माल supply करते हैं, उनको four digit level तक HSN maintain करना है, कुछ भी turnover हो उसे कोई मतलब नहीं है। HSN code for services shall be reported at six digit level or more irrespective of the turnover. जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको सिक्स डिजिट और मोर एचएसएन मेंटेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का कोई लिमिट यहां पे नहीं दिया गया। फॉर रिपोर्टिंग इशू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टैक्स रेट ओनली विदाउट अफेक्टिंग द टैक्सेबल वैल्यू ओनली टैक्स अमाउंट हैज टू बी रिपोर्टेड एंड टैक्सेबल वैल्यू हैव ऑफ द क्रेडिट और डेबिट नोट विल बी रिपोर्टेड एज जीरो। आप क्रेडिट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं फॉर रेट डिफरेंसेस, तो आपको अब टैक्सेबल वैल्यू में कोई चीज आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स अमाउंट को चेंज करना है और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपकी जीरो ही रहेगी क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स में। टैक्स अमाउंट शैल बी कंप्यूटेड बाय सिस्टम ऑन बेस्ड ऑन टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स रेट। द टैक्स अमाउंट सो कंप्यूटेड विल नॉट बी एडिटेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स इशूड। जो टैक्स अमाउंट है वो आपके टैक्सेबल अमाउंट और रेट ऑफ टैक्स सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और वो एडिट नहीं होगा। द सप्लायर कैन रिपोर्ट एक्सेस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट इन द मेन रिटर्न अंडर अदर लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट। सप्लायर जो है जो एक्सेस टैक्स ले लिया गया है रिसिपिएंट के द्वारा, उसको रिपोर्ट कर सकता है मेन रिटर्न में लाइबिलिटीज और एडजस्टमेंट की जो टेबल दी गई है उसमें। हम लोग डिस्कस करेंगे जब मेन रिटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज वीडियो में। सेपरेट टैब फॉर मेंशनिंग सप्लाईज टैक्सेबल एट 65% ऑफ टैक्स शैल बी अवेलेबल सप्लाईज कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन 37/2017। जो 65% जो अबेटेड वैल्यू की जो बात की गई थी इस नोटिफिकेशन में, उसके लिए एक अलग से टेबल दी जाएगी आपको रिटर्न के अंदर। ऑल सप्लाईज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 शैल बी रिपोर्टेड अंडर नो सप्लाई इन द मेन रिटर्न। इट विल इंक्लूड हाई सी सेल एंड बॉन्डेड वेयरहाउस सेल ऑल्सो। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाई सी सेल और बॉन्डेड वेयरहाउस सेल को कहां इंक्लूड करना है, तो न्यू रिटर्न में जो है नो सप्लाई बोल करके एक कॉलम दिया जाएगा, उस कॉलम में आप शेड्यूल 3 की जितनी भी सप्लाईज हैं उसको आप उसमें इंक्लूड करेंगे। इनवॉइस वैल्यू मे बी इक्वल टू सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू tax amount of all items contained in the invoices. In some cases it may not hold goods and taxable value may be reported even if invoice value is not there. मतलब आपको invoice value जो है वो taxable value plus tax amount होगा major cases में, किसी किसी situation में वो ऐसा नहीं भी हो सकता है। Place of supply shall be reported mandatorily for all supplies. For intra-state supplies POS will be the same state. POS हर supply के लिए details mandatory है। अगर इंटरस्टेट है तो POS विल बी द सेम स्टेट, अगर इंटरस्टेट है तो वो डिफरेंट स्टेट होगा एज पर योर सिलेक्शन। टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन IGST सप्लाईज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन। फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज द टैक्स रेट मे बी अप्लाइड एट हाफ द रेट ऑफ IGST इक्वली। फॉर CGST एंड SGST सेस मे बी रिपोर्टेड अंडर सेस कॉलम अगेंस्ट द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ द सप्लाईज। ये चीज सिमिलर है कि IGST सप्लाईज के लिए जो टैक्स रेट है वो उसका 50-50 हो जाएगा CGST और SGST के सिचुएशन में। Value of supplies and amount of tax may be reported in whole number or up to 2 decimal points. अब इसमें जो है आपको taxable value और tax amount वगैरह जो है वो आपको
टू डेसिमल प्लेसेस तक आप उसमें फीड कर सकते हैं। जीएसटी ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाईज मे बी रिपोर्टेड इन सप्लाईज रिपोर्टेड इन 3B 3E 3F 3G, जहां जहां जीएसटी नंबर देना है वहां आपको रिपोर्ट करना है जिस जिस टेबल में एप्लीकेबल है। जीएसटी ऑफ द सप्लायर में भी रिपोर्टेड इन 3H 3K, जिसमें आपने इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज या जो भी आपने इनवर्ट करा है जिसका आपको टैक्स पे करना है तो वहां पर आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर देना है। वेयर एवर सप्लायर आर रिपोर्टेड एज नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट्स द वैल्यू मे बिकम नेगेटिव इन सम केसेस एंड द सेम मे बी रिपोर्टेड एज सच। अगर नेगेटिव वैल्यूज कुछ आती हैं ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स तो नेगेटिव वैल्यूज भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। Taxpayer selecting nil in questionnaire will not be required to make any entry in exer nor any entry in main return is required to be made. Such taxpayer will be taken to signature directly. मतलब जो nil return file करेंगे उनको कोई exer नहीं file करना है, वो simply अपनी return signature करके return submit कर सकते हैं। उसके बाद कुछ table specific instructions दी हुई है जो मैंने आपके साथ already discuss कर ली है, तो वो इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी चीज हमने बताया है उसी को इन्होंने यहाँ पे details में लिखा हुआ है। तो ये हो गया annexure टू सप्लाईज ऑफ मेन रिटर्न। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस न्यू रिटर्न के फॉर्मेट्स के बारे में पता चल सके। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आने वाली जो वीडियो सीरीज है वो आप मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।